Hey guys, welcome back to Eat Hike Travel again. First of all, thank you very much for liking my last video. मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा आप सबसे, बट मैं काम कर रहा हूँ आप सबके दिए हुए कमेंट्स सजेशंस पे, एंड दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. तो ईट सीरीज़ को सेकेंड एपिसोड में ले जाते हुए आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ दिखाने के लिए द बेस्ट स्नैक्स दैट यू कैन गेट विद वैल्यू ऑफ मनी. तो इन स्नैक्स को मैंने डिवाइड किया है तीन क्राइटेरियाज़ में. इन तीनों क्राइटेरिया के बॉक्सेस को इनको चेक करना पड़ेगा. पहला क्राइटेरिया है टेस्ट. अगर स्नैक टेस्टी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है. दूसरा क्राइटेरिया है क्वालिटी. अगर वो हाइजीनिक नहीं है, लुक्स वाइज अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो किसी काम का अगेन नहीं है. और तीसरा है प्राइस पॉइंट. प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्नैक्स में, क्योंकि आप फुल मील बाय नहीं कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो स्नैक्स. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो एंड सी कौन से ये स्नैक्स हैं जो इन सभी बॉक्स चेक करते हैं. ये है यॉर्क सेंटर में कैलगरी स्वीट्स. कैलगरी स्वीट्स के मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद हैं वो हैं समोसे. जब स्नैक्स की बात चलती है तो समोसों से बेटर स्नैक्स कोई नहीं हो सकता. अंदर चल के देखते हैं कि ऐसी क्या खासियत है इनके समोसों में जो कहीं और नहीं है. एक टाइम में दो ही बंदे अलाउड हैं स्टोर में, तो उससे पहले भी ऑर्डर कर रहा है, तो आई थिंक आई शुड वेट फॉर माय टर्न. हाँ जी, एक प्लेट समोसे का दूंगी. नहीं जी, नहीं, समोसे ही लेने हैं. ये यहाँ के ऑनर हैं कैलगरी स्वीट्स के, और इनसे बात कर लेते हैं आज. सर, कितने साल हो गए जी अपने नए स्वीट्स खोले? असी 2011 में लिया जी. हाँ जी, हाँ जी, अक्टूबर च. हाँ जी, हाँ जी, तो सानू मोस्टली 11 साल हो चुके हैं जी. ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं इनको ये रन करते हुए, और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं. और जो इनका स्नैक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है समोसे. और वीडियो में मैं आगे चल के बताऊँगा आपको क्यों वो बेस्ट समोसाज हैं यहाँ के. और सर, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को? बस असं जाते आए हैं, सानू साडी कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा साथ दिता. हाँ जी, सारे ने, तो असं सारे धन्यवाद करना चाहते हैं. थैंक यू सर. तो बैठते हैं आप. तो ये हैं कैलगरी स्वीट्स के समोसे, और साथ में उन्होंने दिए हैं चने की सब्ज़ी. ये एक कंप्लीट प्लेट पैकेज है, अमेजिंग स्नैक है जो मुझे बहुत पसंद है इनका. अगर आप इनकी अकेले समोसे लेने जाओ तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स दैट आई लाइक, बिकॉज एक तो इनका प्राइस पॉइंट और इनकी टेस्ट और क्वालिटी ये सारे बॉक्सेस को चेक करता है. इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहती है, और बड़ा हल्की सी सॉल्टी है. और इसमें मटर हैं, कटा हुआ प्याज डाला हुआ है, ऑफ कोर्स पोटैटो तो है ही है. धनिया का एक अलग सा फ्लेवर आता है इनके समोसों में जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइस पॉइंट है इनका वो ऑलमोस्ट 80 सेंट में ये समोसा सेल करते हैं. अगर आप इस तरह का समोसा कहीं और खाने जाएं तो आपको ईज़िली $25-$50 मिलता है, और वैंकूवर में तो शायद इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो. लेकिन सरी में 80 सेंट में इस साइज का समोसा, हैंड्स डाउन अमेजिंग स्नैक. तो ये हो गए जी कैलगरी स्वीट्स के समोसे. आई एम श्योर आपको भी देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लगता है कि ये स्नैक वाकई वर्थ है, और प्राइस इसका अच्छा है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, साइज इसका अच्छा है, तो कैलगरी स्वीट्स इज़ अ वन स्टॉप फॉर समोसाज. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है. और अभी तक आप ये वीडियो अगर लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं तो व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन विच विल मोटिवेट द चैनल एंड मी एज वेल. तो चलते हैं अगली लोकेशन के लिए और देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा स्नैक है. तो गाइज, ये मैं आ गया हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि है शाही केटरिंग्स. ये बनाते हैं दी बेस्ट फिश पकौड़ा दैट यू कैन गेट इन सरी, वन ऑफ द अमेजिंग स्नैक्स दे मेक हियर. चल के अंदर देखते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं आज इनके साथ. हाँ जी, 1 pound बासा फिश कर दो जी पकौड़ा. मेरे पीछे ऑनर हैं शाही केटरिंग के, गोविंदर सिंह. अगर ये टाइम निकाल सके तो इनसे मैं कुछ बात ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले ऑर्डर करते हैं अपनी फिश जो मैंने कर दी है.
उसको खा के देखते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि टेस्ट कैसा है, why I like this snack a lot. अच्छा, जो इन्होंने मुझे आज यहाँ पे फिश सर्व की हैं वो मैंने दो ऑर्डर की थी. एक मैंने की थी इनकी तंदूरी फिश, ये इनका वन ऑफ द बेस्ट स्नैक है जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे. इसकी खासियत ये है कि फ़िश बड़ी अच्छे से मैरिनेटेड है और तंदूर में लगा के बनाई जाती है. बहुत लेस ऑयली है, बहुत हेल्थी है खाने के लिए. हम सब जानते हैं कि जो तंदूरी है, जो कन्वेक्शन से पका हुआ खाना है, वो बहुत टेस्टी है. और ओ भाई साहब, इससे बेटर फिश हो नहीं सकती और कहीं. और इतनी फ्रेश, इतनी क्रिस्पी और इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं इसके, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. ओके, सो अब मैं इनकी ट्राई करने वाला हूँ बासा फिश जो कि है फ्राइड. जिस प्राइस पॉइंट पे जो क्वालिटी और जो फ्लेवर ये दे रहे हैं, I just really don't know how they are doing it. I am just blown away by this. Just look at the fish. It is so fresh, so crispy, and you just cannot compare with any other snacks, right? This is checking all the boxes of quality, taste, and price point. Crispy, flavorful, amazing. Okay, मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं जो कि owner हैं शाही केटरिंग के. He saw me filming everything and he thought like he wanted to talk to me. Let's have a few questions with him. So ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰ ਸਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅੱਛਾ, 7 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ. 7 ਇਅਰ ਹੋ ਗਏ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ. ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ. ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ ਗਾਰਲਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ. तो गाइज, ये था शाही केटरिंग का फिश पकौड़ा. बहुत क्रंची, बहुत लाइटली स्पाइस्ड, बड़ा फ्रेश, बड़ा मज़ा आया खा के. बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख के उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारी वीडियोस स्पॉन्सर्ड हैं? तो नहीं, मेरी वीडियोस कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है. आई एम जस्ट डूइंग इट एज अ हॉबी. तो अब चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे और देखते हैं स्नैक्स में वहाँ क्या है. ओके गाइस, तो ये आ गए हैं हम अपनी थर्ड और फाइनल लोकेशन पे फॉर द स्नैक्स. इस लोकेशन का नाम है मिर्च मसाला और ये सिचुएटेड है 120 स्कॉट रोड और 92 के पास. तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इनका कौन सा ऐसा स्नैक है जो कि बेस्ट है और हमारे सारे पॉइंट्स चेक करता है. तो पनीर टिक्का मैंने ऑर्डर कर दिया है. देखते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है और प्राइस पॉइंट क्या है. जहाँ तक टेस्ट की बात है, अनबीटेबल है. इसमें एक किक है, इसमें एक सॉफ्टनेस है, इसमें तंदूरी का जो चार्डपन होना चाहिए, हल्का सा स्मोक फ्लेवर, वो भी है. तो क्या ये सारे बॉक्सेस चेक करता है मेरे लिए? ऑफकोर्स 110%. नाउ बात करते हैं प्राइस पॉइंट की. प्राइस पॉइंट क्या है? तो प्राइस है $13 पर प्लेट. लेकिन अगर आप इस प्लेट को देखें, आई मीन इट्स जस्ट ह्यूज. आपके टेस्ट को पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे दो चटनियाँ भी सर्व की जाती हैं. एक है जो मीठी गुड़ वाली है, लाल रंग की होती है, और दूसरी है पुदीने और योगर्ट वाली, जिसमें एक किक होती है, थोड़ा सा तीखापन होता है अगर आपको अपना पनीर टिक्का और भी तीखा करना है. गाइस, तो आज हमने कवर की तीन प्लेसेस. हमने कवर किया कैलगरी स्वीट्स के अमेजिंग समोसे, शाही केटरिंग की तंदूरी और फ्राइड फिश, और मिर्च मसाला का अमेजिंग पनीर टिक्का.
अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम क्वाइट श्योर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है. तो देखते रहिए ईट हाइक ट्रैवल. आई कीप ऑन कमिंग बैक विद लॉट्स ऑफ न्यू एंड न्यू कंटेंट. एंजॉय.